खोरा भी टिके नहीं है, किसी नहीं, धूप भी नहीं हो रहा है गाइस, अंधेरा अंधेरा खाली दिखाई देता है इधर। देखो हमारा नेक्स्ट। तो गाइस आप सबको फिर से मेरे और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हो गया मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कल था। आज हमारे घर पे चावल गाइस, आज है 15 तारीख और आज सेकेंड दिन है, कल मकर संक्रांति था 14 तारीख, फिर आज भी है मकर, 2 दिन है, 14-15 दो दिन होता है। तो कल जो हम लोग चावल पिसा मतलब भिगा के रखी थी रात को, कल तो मैं क्रिकेट देखने सॉरी हॉकी देखने चली गई थी मैच देखने के लिए, तो फिर रात को और नहीं किए, फिर खाना वाना खा के सो गए, फिर सुबह से उठे और ये चावल कूट रहे थे और उसके बाद मैं भी कुटी आधा, और यहाँ देखो इतना सारा चावल ये कूट के रखी हूँ, और इधर पानी मतलब कभी बनाए नहीं है गाइस, और पहली बार बना रहे हैं और ये पूरा पानी दे दिए हैं पूरा कितना सारा। मैं इनको मना की ज़्यादा पानी मत दो, पूरा कितना सारा पानी दे दिए हैं, अभी ये इसको क्या करेंगे पता नहीं, अब मालूम भी नहीं है ना कैसे बनाते हैं, पहली बार तो इसे ढंडी में बना रहे हैं डेगची में, पहली बार मैं मेरी माँ ही बनाती है सब, मैं कभी पीठा उठा बना अब मैं बनाती हूँ, उसे नॉर्मल बनाती हूँ, ऐसे चीनी वाला पीठा मैं कभी नहीं बनाई, मेरे को गुड़ अच्छा लगता है इसीलिए मैं गुड़ वाला बनाती हूँ। ये बोले कि नहीं मेरे को चीनी पीठा खाना है, चीनी पीठा खाना है, तो ठीक है बना, चीनी पीठा कैसे बनता है मेरे को तो मालूम नहीं, मैं यूट्यूब में देख रही थी उसमें सब अच्छी तरह से बताया, ये बता रहा फिर मैं बोली ये तो क्या कर रहे हैं पता नहीं, देखते हैं कैसे बन रहेगा, इस जब बन जाएगा तो दिखा देंगे आप सबको, और भात भी नहीं बनाई हूँ अभी तक। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:15 और सुबह से मतलब जो नहा धो के आई और जो हम लोग बनाने के लिए बैठे थे तैयार, तब से बैठी हूँ अभी तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, क्या करें, खाना भी नहीं बना है अभी तक भात भी, तो ये देखो रोटी इतना बना, रोटी पिठा जो हम तो पिठा बोलते हैं हमारे यहाँ पे पिठा, और ये नमकीन थोड़ा मैदा लाने बोली उनको थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए, तो ये नमकीन भी थोड़ा, तो सब अभी ख़त्म हो जाएगा, सब बना चुकी है अभी ख़त्म हो जाएगा सब, फिर उसके बाद खाना बनाना है, फिर वो गए हैं मार्केट क्या लाने गए हैं पता नहीं, तो कैसे बना है देखो गाइस मैं दिखा देती हूँ, चीनी वाला पीठा है लेकिन कैसे मतलब आरसा बनाने के चक्कर में थी, आरसा बना कि नहीं बना पता नहीं क्या बना, लेकिन ये है चीनी, लेकिन लाल लाल मतलब कलर रेड कलर आया है थोड़ा, तो कैसा लगेगा खाने में, खाने में तो एक खा के देखी थी अच्छा लग रहा था, और नमकीन, और वो तो यहाँ पे बैठे हैं इधर इधर बना रहे हैं और इधर खा रहे हैं फिर अभी मार्केट गए, तो ये सब हो जाने के बाद फिर सब्जी बनाना है गाइस, क्या करें, ये सब करने से ना टाइम मतलब बहुत खर्चा हो जाता, आज मैं पार्क भी नहीं गई हूँ, वो अकेले गए थे पार्क, मैं नहीं गई थी, मैं बोली मैं अगर जाती तो और नहीं, सुबह उठे हैं फिर चावल गए, कल हो जाता लेकिन कल मैं उधर मैच के लिए चली गई, तो फिर सुबह उठ के फिर उसको कूटें, फिर कूटने के बाद फिर घर का काम वो सब करके फिर बनाए, ज़्यादा चावल नहीं बने, 1.5 किलो 2 किलो लाई थी, वो बोल रहे थे सब भिगा दो लेकिन मैं सब नहीं की, बहुत है थोड़ा सा एक पाव जैसे रखी, खाना बनाना भात बनाने खाने में कभी मेरा गुरुवार में काम आता है खाने के लिए चावल ऐसे भी ख़रीदना पड़ता है, और 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर था वो की थी, तो इतना हुआ है तो ठीक है गाइस, और आने दी वो आएंगे फिर क्या बनाएंगे सब्जी में क्या नहीं पता नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है गाइस इधर मेरा फोन। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:30, 2:30 बजने वाला है गाइस, और आज देखो ना सुबह से हम लोग काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, खाना वाना भी नहीं खाया अभी तक, सब्जी बन सब बन गया मेरा खाना सब्जी सब बन गया, और अभी ये नहा रहे हैं, अभी नहा रहे हैं ये गाइस,
यहाँ पे नहा रहे हैं। तो अभी वो आए हैं और नहा रहे हैं। उनका तो संडे को भी काम काम काम, मतलब एक फोन करके बुलाए थे संडे में भी एक जन देखने के लिए काम वहाँ का कैसा। तो ये फिर अभी खाना वाना खाएंगे। वो साग जो लाए थे हरी, मतलब हरी वाला प्याज, प्याज का जो पत्ता नहीं साग रहता है हरी वाला, उसको भी मैं बना दी। बोली कि फिर टाइम होगा नहीं होगा तो देखो मैं क्या क्या बने। मैं खाना निकालूंगी तब फिर से दिखा दूंगी। ये इनका चिकन है, ये गरम कर रहे हैं यहाँ। थोड़ा टमाटर चला लेते। और यहाँ पे मैं मेरे लिए आलू मटर पनीर शिमला साग ये मेरे लिए, मैं बोली शिमला ला देना नहीं तो मटर ला देना। तो ये बोले बोले कि नहीं शिमला सब ला दिए, मटर भी ला दिए शिमला भी, तो सब भी ला के बनाई हूँ। कैसे बना है पता नहीं गाइस। और ये प्याज का साग है, अभी बनाई हूँ इसको। ये भात है इधर, चावल हम लोग का ख़त्म हो गया है गाइस। और मेरे को जाना है गांव चावल लाने के लिए, कब से ख़त्म हो गया है चावल लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। कल जाने वाली थी, कल तो उधर चली गई, और आज तो सुबह से काम ही ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ना निकाल लेती हूँ, वो भी ना वो क्या आ जाएंगे अभी तुरंत गाइस। खाना वाना खा लेंगे फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या फिर दिखाऊंगी आप सबको अगर कहीं जाने का होगा तो। तो खाली दे रहे का जी आने दे रहे गति टाइम नहीं है। हां 14 नंबर से भी फोन आया था, 14 नंबर फिर जी बोले बुलाया था, हम बोले कैंसिल कर दिया, हम बोले कि नहीं होगा जी। देखो गाइस ये मैं निकाल चुकी हूँ खाना। और ये ना धनिया मेरा ख़राब हो जाता रख देने से, फिर थोड़ा सा बच गया था धनिया, ख़राब हो जाएगा तो इसीलिए इसको मैं टमाटर एक उड़ा के फिर उसको ऐसे करके खाने से ही सब ख़त्म हो जाता है, नहीं तो फिर रह जाएगा ख़राब हो जाएगा, फ्रिज भी नहीं है सूख जाएगा सब। और ये भी खाना खा रहे हैं। यस मेरे को बहुत अच्छा चिकन बहुत अच्छा बनाई है, चिकन में अच्छा ही बनाती हूँ हमेशा, बहुत सुबह का खाना शाम को खाना। चार बजे से उठे हैं बोलते हैं। चार बजे से कहा उठी थी, फिर जाके सो गई, फिर 5:30 बजे मैं तो क्या नहीं थी लीजिए, तू भी जानी छू मैं भी उठी थी ली। उठे थे तो फिर क्यों पूरा नहीं उठे, आधा उठने से क्या फायदा। हम सोच रहे थे पूरा उठना चाहिए था। अलार्म नहीं बचा ना, नहीं बजा था फिर बंद हो गया अपने आप। गाइस अभी गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30। पूरा थक गई हूँ गाइस आज, पूरा थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला, सुबह से काम 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 करके क्या करूँ। तो अभी हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है गाइस 4:30 शाम का, और मैं जा रही हूँ फिर से। ये चले गए अपना घर तिलका नगर, ये देखो मैं बताती हूँ गाइस ठीक है। मैं थोड़ा ये रख देती हूँ गाइस। ये चले गए अपना तिलका नगर अपना घर, और मैं जा रही हूँ मेरा घर अपना घर, मैं अपने माँ बाप घर जा रही हूँ और वो गए हैं अपना माँ बाप घर। गाइस हम दोनों हमेशा अलग अलग ही जाते हैं, एक साथ मैं भी नहीं जाती हूँ यहाँ पे, और वो भी नहीं जाते हैं अपना, हम मेरे घर वो नहीं जाते हैं उनका घर में। उसका बहुत बात है गाइस, मैं किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। तो अभी जा रही हूँ
खाना खा लेने के बाद थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं की गाइस। खाना उना खा लेने के बाद बर्तन उर्तन सब साफ करके फिर घर को, अब घर से कहीं अगर जाओ तो सारा काम नहीं करके जाने से भी आने से मेरे को ही तो सब करना पड़ता है। तो ये तो पहले चले गए, उनको तो दूर जाना है और मेरा तो यहाँ सामने में है, नदी पार हो जाने से मेरा हो जाएगा, घूम के जाने से थोड़ा दूर पड़ता है। लेकिन अभी तो पानी कम हो गया है इसीलिए मैं तो इधर से चली जाऊँगी और वो उतना दूर जाएंगे बंडा मुंडा, तो इसीलिए वो पहले चले गए। तो फिर बर्तन उर्तन सब साफ की, घर झाड़ू उड़ा पो सब की, पूरा सफा सुफी करके कपड़ा सब सजा के फिर अभी मैं जा रही हूँ। वो जो पिठा बनाई थी उसको भी थोड़ा देना था, और नहीं देने से फिर कब दूँगी, कल तो मेरा सोमवार है, कल पूजा, तो कल तो जा नहीं पाऊँगी, इसीलिए जा रही हूँ। और चलो वीडियो के साथ आप लोग भी बने रहो, वहाँ पहुँचने के बाद दिखाऊँगी हम लोग का वहाँ टुसू, मकर संक्रांति में जो टुसू पूजा होता है वो टुसू हो रहा है तो मैं दिखा दूँगी। दुकान खुला है कि नहीं, यहाँ से थोड़ा मीठा खरीदना है गाइस, मेरी माँ बोली है मीठा लाने के लिए, तो ये वाला दुकान से दुकान खुला है। मीठा कैंती रे छोटा पाँच टाँगा ले, पचास टाँगार के हाँ दसटा पचास अशी टकर दे, मो माँ कह अशी टकर कौन कह मैंने शहे टकर ने कौन हम ना अशी टकर देखो गाइस, ये वाला मिठाई लेके जाऊंगी अभी और यहाँ से बच्चा सबके लिए फिर यहाँ पनीर केक सब मिलता है, यहाँ पे सब मिलता है, छोटा छोटा बड़ा साइज सब मिलता है। ये 40 रुपया वाला है छोटा, और इधर ये पहुँच गई गाइस नदी, अरे यहीं पे थोड़ा सा, ये जो नदी से यहाँ बालू से पूरा उतना दूर तो थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सुनसान है तो रात में, और इधर सब पार्टी शार्टी करते रहते हैं ना इसीलिए डर लगता है, नहीं तो नहीं। और यहाँ देखो गाइस यहाँ पे रास्ता उधर से जा रहे थे, अगले हफ्ता आई थी तो उधर से हम जा रहे थे, उधर से लेकिन अभी यहाँ रास्ता बना दिया है, अच्छा लगा यहाँ बन गया रास्ता अच्छा है, नहीं तो पूरा उधर से घूम के जाने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पता यहाँ बालू थोड़ा छोड़ा हुआ है, यहाँ पानी है ना, क्या कैसे जाएंगे देखना पड़ेगा, गड्ढा है थोड़ा सा, इधर इधर भी इधर थोड़ा गड्ढा छोड़ दिए हैं ये बालू सबको। रास्ता तो अच्छा बना दिए हैं लेकिन थोड़ा गंदा पानी लग रहा है, फिर ड्रेन पानी सब जितना भी कोयल नगर का सब यहीं पे आ रहा है गाइस, उधर से वो ऊपर में है उसका, तो उधर से ए साइड में सब ड्रेन पानी सब आता है, तो गंदा पूरा गंदा सेंट हो रहा है। देखो इतना सामने है लेकिन ये नदी है बोल के घूम के जाना पड़ता है तो कितना दूर होता है। ओह देखो उधर से जाते हैं, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं गाइस, ओह देखो जीरपानी ब्रिज, ओह हजम हो गया, जितना खाना खाई थी सब हजम हो गया। ठीक है गाइस मैं घर पहुंच लेती हूँ, कितना बात करती हूँ मैं आप सब, खाली बात ही करती रहती हूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 रात का और हम लोग सब डांस कर रहे थे। हाय बोल, ये मेरे जीजा है, हाय का हाय और हैं कुछ भी खाने बातों नहीं की जाऊँ घर खाई नौ छू तो टिफिन भरी छी पूरा ହେଲେ ସେ ରାଜୁ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ ସକାଳେ ଯାଇଛୁ କାଲି ସୋମବାରଟା ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। तो गाइस अभी मैं घर चली जाऊंगी, यहाँ पे डांस कर रहे थे हम लोग सब मिलके इसलिए आए और आते साथ डांस उन्स कर रहे थे,
फिर वीडियो नहीं बना पाई। अरे हमारे तिरसा देखो कैसे पाई, खाली कार्टून और मोबाइल में रहती। और इधर सब डांस हो रहा है गाइस, नाच गाना हो रहा है। मकर टुसू में मकर टुसू का भी नहीं दिखा पाई मैं, ये भूत इधर देखो रे। झुकेगा नहीं साला पुष्पा, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं साला पुष्पा बन रहा है। और ये है माता टुसू का पूजा होता है हम लोग का, तो ये है तो गाइस देखो कैसे डांस उन्स हो रहा है यहाँ पे। और गाइस क्या होता है ना, मकर संक्रांति में वो जो बाजा होता है वो बजाते हैं, जो मतलब पुराने ज़माने में खुद जो बजा नहीं ना गा मकर संक्रांति का, खुद भी गाना गाते हैं और डांस करते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, अभी तो ऐसे कोई नहीं है बजाने के लिए, जो बजा सब हम लोग लाए हैं, तो इसी ऐसे ही गाना बजा के फिर डांस कर रहे हैं। इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो डांस करते मैं भी डांस की थोड़ा सा इसे, और जो बजाते हैं ना मेरा भाई साहब, वो भी उनका ड्यूटी है तो वो लोग चले गए। और आजकल कोई ऐसे डांस नहीं करना चाहता, खाली ऐसे ही गाना में डीजे गाना सॉन्ग ऐसे सब में डांस करता है। तो जब मूर्ति घुमाने ले जाते हैं तब जाके वैसे डांस करते हैं। तो यही सब है गाइस, फिर अभी मैं घर चली जाऊंगी। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, चुकी हूं मैं। और ये अभी तक नहीं आए हैं, ये भी गए हैं वहां पे अपना तिलकानगर, वो अभी तक नहीं आए हैं। मैं बोली कि मेरे को भी चलो साथ में ले चलो, मैं जाती हूँ, ऐसे तो नहीं जाती हूँ बल्कि नहीं, कभी कभी जाती हूँ। लेकिन वो बोले कि नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ, काम है मेरा थोड़ा इधर उधर, और तू फिर जाना वहाँ क्या करना, ऐसे बोले। और मेरे को लेके नहीं गए, और वो अपना साइकिल का चाबी भी कहाँ हजा दिए हैं पता नहीं। और अभी मेरे को फोन, मेरा फ़ोन क्या हुआ गाइस, फ़ोन मतलब मेरे को कोई फ़ोन कर रहा है तो मेरे मोबाइल पे कॉल नहीं आ रहा है। अगर इधर से मैं कर रही हूँ तो रिसीव नहीं हो रहा है कुछ नहीं, और मतलब खाली सुनाई थोड़ा सा हेलो बात हो रहा है और कट जा रहा है। क्या हो गया है मेरे को नहीं मालूम, मोबाइल के बारे में ना उतना सब कुछ मेरे को बहुत सा पूरा अंदर तक मेरे को नहीं मालूम क्या हो गया है। फिर वो आएंगे तो फिर ठीक कर देंगे। तो अभी ऑटो बैठ गए हैं बिसरा चौक में, और पानी टंकी तक का है, फिर इधर से फिर पानी टंकी से यहाँ तक चल चल के आना पड़ेगा अगर ऑटो नहीं मिलेगा तो, क्योंकि अभी रात हो चुका है, 9 बज गया। और 9 बजे अम्बगान मतलब कितना मुश्किल से ऑटो मिला है, नहीं तो ऑटो मिलता नहीं है। और अपना साइकिल, मैं कब से बोल रही हूँ उनको कि साइकिल मतलब निकलो निकलो, हाँ हाँ बोल बोल के रह गए हैं, ऐसे ही करते हैं, रात को जाते हैं तो रात हो जाता है। उधर से टेम्पो ऑटो आना बहुत मुश्किल है, कोयल नगर के लिए ऑटो नहीं मिलता है बिसरा चौक मामा जो हम लोग का राउरकेला बिरसा मुंडा चौक से, इधर कोयल नगर के लिए रात को ऑटो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस। अम्बागान के लिए मिल जाता है लेकिन इधर कोयल नगर के लिए नहीं मिलता है। तो फिर क्या हो रहा है पता नहीं, आ रहे हैं और फिर आएंगे तो साथ में हम दोनों खाना खाएंगे। और क्यों पांडा साहब, गाइस मैं ये भी आ चुके हैं और अभी खाना सब गरम कर रही हूँ गाइस मैं थोड़ा। हाँ और ये भात में टिफिन में भर के लाई थी मेरे घर से, और भात था थोड़ा सा लेकिन मैं बोली कि फिर ये आ जाएंगे तो फिर रात को, तो यहाँ मैं अपने लिए टिफिन में थोड़ा खाना लाई हूँ और इनके लिए खाना गर्म कर रही हूँ। और ये सब्जी भी दिए है मेरी माँ, मरमा ने दीपू को मांग थोड़ी सी वो भर दी है।
चलो। और मेरा भी यहाँ गर्म है सब्जी।